की मांगों को मंजूर नहीं कर रही, इनकी अनियमित कर्मचारियों की महापंचायत मुख्यमंत्री नहीं बुला रहे, कर्मचारी सरकार को ईद का जवाब पत्थर से देगा लेकिन अपने अधिकार लेके रहेगा। मौजूद हूँ भोपाल के अम्बेडकर पार्क में, यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के द्वारा प्रदर्शन जारी किया गया है, जहाँ पे इनकी 12 सूत्री मांगों को लेके ये प्रदर्शन जारी किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी भारी संख्या में यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के कार्यकर्ता और यहाँ पे जितने भी अलग विभाग के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। इन लोगों की 12 सूत्री मांगे हैं, उसको लेके मध्य प्रदेश शासन से ये मांगे लगातार मांग रहे हैं और इनकी मुख्य मांगे नियमितीकरण जैसी मांगे हैं, इसको लेके ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये मांगे कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए और इनकी नियमितीकरण की जैसे मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। दादा, क्या मामला है, आप लोगों ने क्यों ये प्रदर्शन जारी किया आज यहाँ पे? आज अनियमित कर्मचारियों का महाआंदोलन है, मिठाई कर्मियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का, अंतकालीन कर्मचारियों का, वन सुरक्षा श्रमिकों का, ये महाआंदोलन है। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं सरकार से, हम लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्थायी कर्मियों को 7वां वेतन मान का लाभ दिया जाए, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, लेकिन सरकार हमारा 12 सूत्री मांगों पर संज्ञान नहीं ले रही है। अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की तो मांगे पंचायत करके मंजूर कर रही है, लेकिन ये वर्षों से कार्यरत, लंबे समय से 10-10 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को मंजूर नहीं कर रही, इनकी अनियमित कर्मचारियों की महापंचायत मुख्यमंत्री नहीं बुला रहे, इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। और आज कर्मचारियों ने भोपाल के अंबेडकर मैदान में महाआंदोलन करके सरकार को चेतावने का काम किया है, सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि सरकार अब चेत जाए और चुनावी वर्ष में इन 12 मांगों को मंजूर करके अनियमित कर्मचारियों को लाभ दे, अन्यथा आप कर्मचारी सचेत हो गया है, एक हो गया है, और ये चुनावी वर्ष में सरकार ने यदि मांगे मंजूर नहीं करी तो कर्मचारी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देगा लेकिन अपने अधिकार लेके रहेगा। नियमितीकरण जैसे मामलों के साथ भी इनकी आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी ये प्रदर्शन जारी किया गया है इन कर्मचारियों के द्वारा, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इनकी ये मांगे पहले काफी लंबे समय से ये चल रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये मांगे कर रहे हैं और अगर अभी इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो ये आगे और भी आगे इसके अलावा प्रदर्शन जारी करेंगे। मैं उत्सव गुप्ता, प्रदेश तक से।